सर आप ये सड़कों पे जो आवारा पशु घूम रहे हैं इनके बारे में क्या बोलेंगे? पशु तो बहुत सारे घूम रहे हैं, गाय बछड़े, लालबाग रोड पे देखिए, घोड़े 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 बच्चे, निकलना मुश्किल हो गए हैं वहाँ से। वो गार्डन की अपने डिवाइडर बने हैं, डिवाइडर में से कभी भी कूद के उधर चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं। कल तो मैं खुद ही गिरते गिरते बचा, तो बहुत समस्या है। नगर निगम को इसको ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पर। तो वो आवारा पशु हैं या फिर किसी के पाले हुए हैं, अगर जिनके पाले हैं उनको उनके ठिकानों पे ले जाना चाहिए। कोई हादसा हो जाए, उनके पशु को नुकसान हो, जनता को नुकसान हो, अच्छी चीज़ नहीं। छनवारा चौराया, वहाँ पे भी पशु बैठे हुए रहते हैं, ट्रैफिक जाम होता है। इंदौर इच्छापुर हाईवे, गणपति नागर रोड, इन पे ये नया बाईपास बना है इस पे, उसके बाद इंदिरा कॉलोनी से जो बहादुरपुर रोड जा रहा है उस पे भी बहुत आवारा पशु बैठे हैं, उससे यातायात में बड़ी समस्या हो रही है। रोड पे सबसे ज़्यादा घोड़े, पता नहीं घोड़े कहाँ से आ गए, वहाँ इतने सारे घोड़े हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। 20-25 घोड़ों का झुंड बैठा रहता है वहाँ। की समस्या है पूरे शहर के अंदर, आवारा पशु, घोड़े, बैल, सभी किस्म के जानवर जो है मेन हाईवे के ऊपर बैठे हुए हैं। रात दिन सभी चौराहे पर आप देख लो, चाहे वो सनवारा चौराहा हो, सिंधी बस्ती चौराहा हो, या राजपुरा चौराहा हो, हाईवे मेन हाईवे के ऊपर बीच रोड के ऊपर बैठे रहते हैं, एक्सीडेंट होने का पूरी पूरी संभावना होती है। रात दिन समस्त अधिकारी लोग इन्हीं रोडों पर निकलते हैं। सनवारा एक ऐसा चौराहा है जहाँ से हर अधिकारी की गाड़ी दिन में एक बार निकलती निकलती है, उसके बाद भी प्रशासन का इसको कोई ध्यान नहीं है। जब कोई बड़ी अनहोनी होगी, दुर्घटना होगी, शायद तब प्रशासन जाएगा। जो मवेशी पालक है, जिनके ये मवेशी है, उनकी भी जिम्मेदारी कि जब काम निकल जाता है उसके बाद ये घोड़ों को या जानवर को छोड़ देते हैं। खास उन्हीं की उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने जानवरों को काम निकलने के बाद बांध के रखें, संभालें, उनकी जिम्मेदारी को पूरा करें, आवारा ना छोड़ें। नगर निगम से भी निवेदन है कि नगर निगम भी इसको ध्यान दें ताकि कोई दुर्घटना ना हो।